दोस्तों, अगर आप दुबले पतले हैं और बॉडी बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे जल्दी बॉडी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या खाने से जल्दी बॉडी बनती है। ऐसे तो हम सभी को मालूम है कि बॉडी बनाने के लिए ज़्यादा खाना होता है, लेकिन क्या खाने से जल्दी बॉडी बनती है, अगर ये जान ले तो बहुत ही आसानी होगी बॉडी बनाने में। देखिए, बॉडी बनाने के लिए मेहनत तो जरूरी है, यानी एक्सरसाइज करना जरूरी है, बट एक्सरसाइज सिर्फ 30% ही है, बाकी तो आपका डाइट का रोल होता है। इसलिए अगर डाइट समझ लेंगे, अगर ये समझ लेंगे कि क्या खाना है, तो आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बॉडी बना सकते हैं। दोस्तों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब बॉडी नहीं बनता है, तब सिर्फ बॉडी थकता है और मांसपेशियां टूटता है, और बाद में वही टूटा हुआ मांसपेशी जोड़ कर बड़ा होता है और बॉडी बनता है। और टूटा हुआ मांसपेशियों को जोड़ने के लिए शरीर को सही आहार देना है। मसल्स को रिपेयर करने के लिए और मसल्स ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा मदद करता है प्रोटीन। प्रोटीन से ही मसल बिल्ड होता है, क्योंकि प्रोटीन में मौजूद एमिनो एसिड वर्कआउट के बाद मसल्स को रिपेयर करता है और मसल साइज को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको डाइट में ऐसे चीजों को शामिल करना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। जैसे कि प्रोटीन के लिए आप रोजाना अंडा खा सकते हैं। आपने देखे ही होंगे, जो लोग वर्कआउट करता है वो लोग अपने डाइट में अंडा जरूर शामिल करते हैं, क्योंकि अंडा में होता है प्रोटीन। इसके अलावा आप चिकन और मछली भी खा सकते हैं, इसमें भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। और दोस्तों, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप सोयाबीन का यूज कर सकते हैं। सोयाबीन प्रोटीन का खजाना होता है, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन आपको मार्केट में बहुत ही कम कीमत में मिल जाएगा। सोयाबीन के अलावा दालों में भी प्रोटीन का मात्रा हाई होता है। आप रोजाना दालें खा सकते हैं, किसी भी तरह की दाल आप खा सकते हैं, सभी में प्रोटीन होती है। इसके अलावा प्रोटीन का और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दूध। जी दोस्तों, दूध में हाई मात्रा में प्रोटीन होता है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट में भी प्रोटीन होता है, जैसे कि पनीर। इसलिए दोस्तों, अगर आप सेहत बनाना चाहते हैं और सेहत को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो आप रोजाना दूध का सेवन जरूर करें। दूध में प्रोटीन तो होता ही है, साथ में कैल्शियम भी होता है, जो कि हड्डियों को भी मजबूत रखता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो हमें ये मालूम हो गया है कि अगर बॉडी जल्दी बनाना है तो प्रोटीन युक्त आहार का सेवन हमें ज्यादा करना होगा। इसके बाद जल्दी बॉडी बनाने के लिए हमें प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी ध्यान देना है। सिर्फ प्रोटीन से ही काम नहीं होगा, प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए फ्यूल की तरह काम करता है, यानी किसी मशीन को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल और डीजल की जरूरत होता है, वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देता है और उसी एनर्जी से शरीर चलता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारे सोर्सेस हमारे घर पर ही मौजूद होता है, जैसे कि हम जो अनाज खाते हैं, चावल, रोटी, ये सभी कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स है और इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही ज्यादा होता है। इसके बाद आप जल्दी वेट गेन करने के लिए आलू का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। दोस्तों, केला भी कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही अच्छा स्रोत है, इसलिए बॉडी बनाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए केला खाने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, लगभग सभी फलों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, इसलिए अगर आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो अपने डाइट में फलों को जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, ध्यान रखें, जल्दी बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन और कार्ब्स, इन दोनों ही मैक्रोज के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको ऐसे आहार लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा हाई हो और रेगुलर एक्सरसाइज भी जरूर करें, क्योंकि बिना मेहनत के बॉडी नहीं बनती है। आप अगर सिर्फ खाते रहेंगे और मेहनत नहीं करेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको फायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।